footballer in india mein. so without wasting any more time let's begin in this video but before that let me tell you that this video is sponsored by one football application that's my go-to place if i want to know anything any news about football that also covers the isl as well and if you want to stay updated with whatever the hell that is going on in world football one football app is the go to place it has all the latest news surrounding your club of all the leagues in world football the latest.

Under 13 एज ग्रुप 15 एंड 18 एज ग्रुप के ट्रायल्स करवाते हैं स्पेशली मोहाली में बेस्ड है पंजाब में एक सीनियर टीम भी है जो की आई लीग में खेलती थी अंटिल ट्वेंटी 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 सीजन एंड इनकी अकेडमी से बहुत सारे प्लेयर्स है जैसे कि जैकसन सिंह अनवर अलीस गाइज है इंडिया में हुआ था बाकी 2018 में दे में हिस्ट्री बाय विनिंग द नेशनल टाइटल्स अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स एट द सेम टाइम तो बहुत ही तगड़ा अचीवमेंट है स्टिल फुल्ली फंक्शनल इट हाउस अराउंड टू प्लेयर्स सबसे अच्छी बात है कि ये एक रेसिडेंशियल अकेडमी है बट यहां पे कुछ वर्ड्स हैं फ्रॉम रंजीत बजाज जिन्होंने अपने विजन अकेडमी के लिए बताया है सो मी कोट he goes on to say that my academy should be a feeder for the Indian national team, which should be able to qualify for the FIFA World Cup 2034. to तो जैसे कि हम pata hai ki कि रंजीत sir ka ek FIFA 2034 World Cup project chal raha hai and we are all gonna support him into into that. तो यहाँ पे इन academy से बहुत सारे बड़े players हैं जो कि निकल के आए हैं. They have been featured in all of the big teams of Indian uh, national teams, including the ISLs, I League as well. विकाश युमिनान है, थोईबा सिंह है, हिमाशु जांग

काफी सारे डिटेल्स uh, और हैं जो कि आप फाइंड कर सकते हो जो कि मैंने नहीं पता कर पाया थ्रू राइटिंग द ई एंड थ्रू दे इंस्टाग्राम अकाउंट्स बट

ट्रायल्स एंड हाउस टीम फॉर अंडर थर्टीन अंडर फिफ्टी एंड अंडर एटीन सुदेवाज एन ऑर्गेनाइजेशन दैटेड इन ट्वेंटी बाई टू यंग ऑंटरप्रिन हू शेयर द सेम कॉमन पैशन फॉर रेजिंग दुटबॉल ट्रेनिंग इन द कंट्री ठीक है अब यह ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रास रूट प्रोग्राम पे रन करती है टेक आउट टैलेंट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एज एजिंग एज लो एज नाइन ईयर ऑफ एज तो दे स्पॉट द टैलेंट स्काउटिंग इनका काफी अच्छा है आन दे ब्रिंग आउट द बेस्ट फुटबॉलर्स इन इंडिया आन नाइन एज ग्रुप से लेके सीनियर लेवल तक की इनके पास टीम्स अवेलेबल हैं

अब यहां पे क्या स्पेशल बात है कि कई बार ऐसा हुआ है कि यू कैन गेट दी अपॉर्चुनिटी टू गो आउट एंड प्ले इन स्पेन एज वेल तो थर्ड डिवीजन या मे बी थोड़े लोअर डिवीजन में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है टू शाइन एंड एक्सेल योर सेल्फ ओवर दे सो अगर मैं इनके मेन अचीवमेंट के बारे में बात करूं तो आपको सबको पता है शुभो पॉल का नाम दिस गाय वॉज सेलेक्टेड इन दान मोनिक वर्ल्ड दिस ईयर एंड ही वेंट टू जर्मनी टू ट्रेन ओवर दैन एज वेल तो एक काफी रेपुटेड यहां पे अकेडमी है इंडिया की इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड एवरीथिंग मैं आपको शेयर कर दूंगा यू कैन ई मेल कॉल दम वेबसाइट पर आप इनके काफी सारी चीजें फाइंड कर सकते हो ऑल्सो डूट रिमेंबर टू चेकआउट द इंस्टाग्राम हैंडल इज वेल वहां पर डिटेल्स बताते अबाउट दी अपकमिंग ट्रायल्स ना The next academy is based in Kashmir region. Real Kashmir provides one of the best infrastructure and training facilities in that region. इनकी teams under 13, under 15 and under 18 की होती हैं, but ये trials हर एक age group में कराते हैं एक चीज है यहाँ पे एक residential academy नहीं है मतलब आपको आसपास घर वर कहीं होटल हॉस्टल लेके कहीं ना कहीं रहना होगा एंड देन यू कैन कम ओवर here, यू कैन ट्रेन यू कैन हैव ऑल दी रिक्वायरमेंट जो कि आपको एक फुटबॉल प्लेयर बनाने के लिए जरूरत पड़ सकती है दे आर वेल वेल सूटेड ठीक है कुछ इनके की प्लेयर्स के बारे में बात करूँ मैं तो दानिश फारूक के बारे में आप सबको पता है हु इज प्लेइंग एट बैंगलुरु एफसी राइट नाउ एंड वेदर यहां पे थोड़ा सा यूरोपियन वेदर से थोड़ा मैच करता है थोड़ी ठंड वंड होती है वहां तो right पे बट दैट्स ऑल गुड तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड एवरीथिंग मैं आपको अपने राइट हैंड साइड पर यहाँ पे दिखा दूंगा सो यू कैन चेक इट आउट कॉल कर सकते हो तो अगर आप उस रीजन में रहते हो सो दिस इज द बेस्ट अकेडमी फॉर यू आपको इंडिया में और कहीं मूव नहीं करना पड़ेगा आपको घर के पास अपनी अपनी अकेडमी मिल जाएगी जहां पर आप ट्रेन कर सकते हो एंड डू रिम्बर टू चेक आउट द इस्टाग्राम हैंडल इज वेल विच

लाइफ बन सकती है यार अंडर 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 के ग्रुप की टीम्स यहाँ पे खेलती हैं ठीक है नाउ नेक्स्ट रीजन की अगर बात करें तो ये महाराष्ट्र बेस्ड है नेवी मुंबई में दिस अकेडमी इज बेस्ड एंड नोन एज रिलायंस फाउंडेशन यंग चैम्प दिस दिस अकेडमी हैज स्पेंड मोस्ट मनी वन इट कम्स टू ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ एंड एक्सपोजर इन इंडिया इनके ट्रायल्स हर एज ग्रुप में होते हैं और हर साल होते हैं एंड दे हैव दैट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज डेडिकेटेड मल्टी डिसप्लिनरी फुल टाइम स्टाफ है यहाँ पर इनके अकेडमी में तो दे होस्ट लाइक अराउंड वॉट सिक्सटी फाइव चिल्ड्रेन फ्रॉम ऑल अराउंड इंडिया एंड इनके पाँच एज ग्रुप बने हुए हैं जिसमें कि इनके सारे प्लेयर्स खेलते हैं तो अंडर थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन एंड एटीन एज वेल ये जो रिलायंस फाउंडेशन यंग चैम की अकेडमी है इनको टू स्टार दिया हुआ है फ्रॉम द एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन अंडर द एलीट यूथ स्कीम एंड दिस अकेडमी हैज़ गॉट दैट रिकग्निशन एट द कॉन्टिनेंटल लेवल इज वेल और कोचेज यहाँ पे यूएफा के लाइसेंस कोचेज अवेलेबल होते हैं आप कॉन्टैक्ट नंबर एंड ई एंड वेबसाइट सारी यहाँ पे फाइंड कर सकते हो डिटेल्स एन इवन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप लोगों के लिए सो यू नो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अकेडमीज इनके इंस्टाग्राम अकाउंट को भी चेकआउट कर लेना वहाँ पे रेगुलरली आपको अपडेट्स बताते रहते हैं और इनका जो प्रोडक्ट है सबके सबको पता है उसके बारे में

हैंड पिक करके प्लेयर्स उठाती है इस अकेडमी से एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड फुटबॉल अकेडमीज इन इंडिया एज वेल सो so, जैसे कि मैंने कहा दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनली रन एंड काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है यहाँ पे जो भी बच्चे यहाँ पे खेलते हैं अंडर 13, 15 एंड 18 एज ग्रुप की टीम है द बेसिकली आर अ फीडर अकेडमी टू द बेंगलुरु एफ सी बट ऐसा नहीं है आपको अगर वहाँ पे ट्रेन करते हो तो आप और भी इंडिया की और भी टीमों में खेल सकते हो तो uh, जैसे कि मैंने बताया प्लेयर्स लाइक पारग सिरवान लियोन अगस्तीन ऑल ऑफ दिस प्लेयर्स जो कि अभी करेंटली बेंगलुरु एफ सी पे खेल रहे हैं ए एफ सी एंड यू एफ लाइसेंस कोच अवेलेबल हैं आपको इस अकेडमी के लिए राइट फूड एंड मेडिकेशन एंड डाइट इन सब पे आप लोग का ध्यान दिया जाता है बहुत अच्छे तरीके से वेबसाइट एंड कॉन्टैक्ट नंबर मैं शेयर कर दूंगा डू रिमेंबर टू कीप अ चेक एट द इंस्टाग्राम हैंडल एज वेल बैंगलुरु एफसी का इंस्टाग्राम हैंडल डेफिनेटली चेक करना एंड ट्रायल्स अपकमिंग है जैसे कि मैंने सुना है तो नेक्स्ट अकेडमी मूव करते हैं दैट इज दी एफ मद्रास दैट इज वन ऑफ द टॉप फाइव अकेडमीज इन इंडिया एंड हैज बिन रिकोगनाइज बाई द ए एज वेल सो अगर आप उस मद्रास के एरिया में रहते हो उस रीजन में रहते हो सो so डेफिनेटली न चेक आउट दिस अकेडमी इज वेल तो ओनली अंडर थर्टीन एंड अंडर फिफ्टीन एज ग्रुप की यहाँ पे ट्रेनिंग होती है कोचिंग लेवल बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट है और सबसे अच्छी बात है की दे हैव अ रेसिडेंशियल अकेडमी ऑन जहां पे एक्सीलेंट पिक्चे

भाई साहब गोवा में फुटबॉल कल्चर बहुत अच्छा है काफ़ी सारे यहाँ पे अकेडमीज अच्छा हैं लाइक डेम्पो सालगावकर एस ई एस ए एंड इवन एफ सी गोवा की अकेडमी अच्छा जो कि गोवा की प्रो लीग में खेलते रहते हैं काफ़ी सारे प्लेयर्स वहां से निकल के आते हैं एंड स्पेशली ऑल ऑफ दीज क्लब्स काइंड ऑफ आर फीडर्स टू मेन टीम ऑफ एफ सी गोवा जो कि आई एस एल में खेलते हैं सो so यार बहुत अच्छा फुटबॉल कल्चर है गोवा में मुझे बहुत पसंद आता है बिकॉज दे आर वेरी मच प्रोफेशनल एंड दे फोकस अपॉन फुटबॉल दिनो दिल और जान से वो प्यार करते हैं उस फुटबॉल गेम को एंड यहां पे जो आप लीग्स देखोगे दे आर स्पेशली रन फॉर अंडर 13, 15 एंड 18 एज वेल सो गोवा में जितनी दे आर वेरी मच फोकस्ड अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ प्लेयर्स बिकॉज यू नो एक uh, कह सकते हो कि दे जो टीम्स पे गोवा की दे बेसिकली ऑन होम ग्रोन टैलेंट सो बाहर से ज्यादा प्लेयर्स लाने में वो बिलीव नहीं करते हैं वो अपने ही प्लेयर्स बनाते हैं जैसे कि लिस्टन कोलासो है सेन फर्नडेज है ब्रांडन फर्नाडेज है ऑल ऑफ दीज नेम जो कि आपने सुने दे हैव कम अप थ्रू दी रैंक्स ऑफ दी दीज एंड अगर आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो जैसे कि डेम्पो का नाम नंबर एंड सालगाव

लिटरली पेव किया इन्होंने पाथवे फॉर द इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम तभी आप देखते हो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि यहाँ पे आके खेलते हैं जैसे कि बिपिन सिंह है आ, साना सिंह है और भूयाम है इसाक है ऑल ऑफ दिस प्लेयर्स हैव कम थ्रू द रैंक्स ऑफ दिस एकेडमी मोर ओवर जो ये शिलोंग लजोंग की एकेडमी है दे हैव अचीव रिमार्केबल सक्सेस इन डिफरेंट एज ग्रुप डोमेस्टिकली एज वेल एंड इवन इंटरनेशनली Uh, यहाँ पे इंडिया लेग एक हुआ था मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रीमियर कप का अंडर 15 विच इंटरनेशनल एक्सपीरियंस एज ग्रुप्स की टीम यहाँ पे खेलती है आई लीग में भी ये टीम्स हैं जो कि खेलती रहती रेसिडेंशियल अकेडमी है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया इनका एंड इवन ट्रेनिंग फैसिलिटीज बहुत टॉप नॉच है तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड एवरीथिंग देख सकते हो कुछ

अकेडमीज एज वेल जो कि पूरी दुनिया में वेल well रिकोगनाइज है तो उनके बारे में मैं जरूर बात करूंगा बट आज के लिए इस वीडियो में वी हैड टू जस्ट टॉक अबाउट इंडियन लोगों को वीडियो में हेल्प मिली एंड जिसको uh, कभी भी फुटबॉलर बनना था एंडेड टू बी गाइडेड इन इस वीडियो में आप चेकआउट uh, कर सकते हो कॉन्टैक्ट मैंने सारे आप लोगों को प्रोवाइड कर रखे हैं आई होप कि आपको बेनिफिट मिले सो दैट्स ऑल फॉर मी थैंक यू फॉर वॉचिंग लिव लाइक एंड सब्सक्राइब टू दैनल पीस आउट बाहर मेरे घर के सामने क्या हो रहा है भाई लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी मुझे